प्रथम तहलका न्यूज। और अम्बाला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, अम्बाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अम्बाला में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सभी पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने भी अब तक जो है वो 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतार लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जो है वो जारी कर ली है और दूसरी सूची में 5 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी ने पहले 14 लोगों के नाम घोषित किए थे और अब तक कुल 19 लोगों को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि जो 5 और लोगों को मैदान में उतारा गया है वो वार्ड नंबर 10 से क्रांति चोपड़ा, वार्ड नंबर 13 से अरुण गर्ग, वार्ड नंबर 6 से अमरजीत कौर सोडी, वार्ड नंबर 2 से फकीर चंद विक्रम, वार्ड नंबर 18 से सरदूल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अम्बाला से आ रही है, जहां हरियाणा जनचेतना पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि अम्बाला में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और हर पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने भी 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। और आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है वो भी जारी कर दी है। और आपको बता दें कि इस दूसरी सूची में 5 लोगों को उम्मीदवार घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 से क्रांति चोपड़ा, वार्ड नंबर 13 से अरुण गर्ग, वार्ड नंबर 6 से अमरजीत कौर सोडी, वार्ड नंबर 2 से फकीर चंद विक्रम, वार्ड नंबर 18 से सरदूल सिंह को अपना उम्मीदवार चुना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अम्बाला से आ रही है, जहां हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अब तक 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतार लिया है। आपको बता दें कि दूसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दरअसल नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और हर पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है और इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने भी अपने 5 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर मैदान में उतार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो अम्बाला से आ रही है।